नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। रविंद्र जडेजा इस समय अपने करियर के सबसे बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। बीते एक दो सालों में ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन ऊपरी ऑर्डर में उन्हें मौका नहीं मिल रहा है खेलने को। रविंद्र जडेजा ने वनडे सीरीज में धमाल मचा दिया। इससे पहले आईपीएल में भी बल्ले से उन्होंने कमाल का प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किया था, और अब टी20 सीरीज में भी उनके बल्ले से कहर जारी है। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाजवाब पहले ही टी20 मैच में 44 रनों की पारी खेली। महज 23 गेंदों का सामना करते हुए रविंद्र जडेजा ने नाबाद 44 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्के भी निकले। वो जडेजा का ही कमाल था कि भारत ने आखिरी 5 ओवरों में 64 रन ठोक दिए। हालांकि इस बीच बुरी खबर ये भी आई कि रविंद्र जडेजा की मांसपेशी में खिंचाव आया है, यानी कि उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। अब दूसरी पारी में फील्डिंग या गेंदबाजी जडेजा कर पाएंगे ये कहना तो कठिन है, पर जब टीम इंडिया 120 रन तक ही पहुंच रही थी, रविंद्र जडेजा की वजह से भारत ने 30-40 रन एक्स्ट्रा बना दिए, जिसे आप फाइटिंग टोटल भी कह सकते हैं। कोहली सेना ने 161 रन 20 ओवरों में बनाया और इस दौरान 7 विकेट गवा दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 37 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 40 गेंदों में 51 रन बनाकर हेंड्रिक्स की गेंद पर एबॉट के हाथों केएल राहुल कैच आउट हो गए। इसके अलावा मनीष पांडे का बल्ला आज नहीं चला। 8 गेंदों में महज 2 रन बनाकर मनीष पांडे आउट हुए, जबकि शिखर धवन ने 1 रन बनाकर आउट हुए। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।